الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر صدیق اکبر خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر صدیق اکبر کبھی جو دیکھا تو غار میں ہے کبھی جو دیکھا تو غار میں ہے وہی نبی کے مزار میں ہے کبھی جو دیکھا تو غار میں ہے وہی نبی کے مزار میں ہے اور مزار وہ بھی جو ہے منور صدیق اکبر صدیق اکبر خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر صدیق اکبر اور کبھی جو مشکل میں دین آئے دین پر جب مشکل وقت آئے کبھی جو مشکل میں دین آئے تو تیرے عمل سے یقین آئے کبھی جو مشکل میں دین آئے تو تیرے عمل سے یقین آئے کس طرح کہ تو مسکراتا ہے گھر لٹا کر صدیق اکبر صدیق اکبر تو مسکراتا ہے گھر لٹا کر صدیق اکبر صدیق اکبر خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر صدیق اکبر والذی جاء بالصدق وصدق به یہ سند ہے قرآن عظیم کی آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کی صداقت کی یہ وہ ذات جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ نے ان کے القابات کو قرآن عظیم میں نازل فرمایا ہمشیران محترم خوش نصیبی ہوتی ہے اس شخص کی جس کو اللہ کریم بار بار اچھائی کے لیے سعادت کے لیے نیکی کے لیے طلب کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان سعادت مندوں کی فہرست میں ہیں جن کو اللہ پاک ہر مہینے طلب کرتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے کرم کی بے شمار صورتیں ہیں جن میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب انسان گناہ کرنے لگے برا کام کرنے کا موقع اس کے پاس ہو اس کو دسترس ہو مگر وہ گناہ نہ کر سکے سبحان اللہ وہ گناہ نہ کر سکے تو یہ کیا ہے یہ اللہ کا کرم ہے اس کرم نے دسترس ہونے کے باوجود آپ کو گناہ سے روک لیا
गुनाह नहीं करने दिया तो ये अल्लाह के दस्ते कुदरत ने आपको पकड़ लिया। भले आपको वक्ती तौर पर वो गुनाह की लज्जत अफसोस में डाले कि बड़ा अच्छा मौका था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अब उसका पता आज समझ लीजिए कि उसका पता ये है कि ऐन वक्त में रब का करम आपके सामने आ गया। तो जब गुनाह से रोकने वाला अल्लाह का करम है तो फिर नेकी की तरफ लाने वाला और उसकी तौफीक देने वाला भी तो अल्लाह का करम है। और फिर करम बालाए करम ये है कि वो रब्बे करीम, वो गफूर रहीम मुख्तलिफ मौके पर, मुख्तलिफ महीनों में, मुख्तलिफ महाफिल में अपने मुख्तलिफ मुकर्रबीन का जिक्र अता करके हमें इस तरह लज्जत आशना करता है जिस तरह एक दस्तरखान पर मुख्तलिफ शानदार खाने रखे हों तो हर खाने की एक अलग लज्जत होती है और आप फिर बारी बारी वो खाते जाते हैं और बनाने वाले की तारीफ करते जाते हैं कि आपने इसमें भी कमाल कर दिया, इसमें भी कमाल कर दिया। तो रब के वो मुकर्रबीन जिनके फैज़ की हर मर्तबा नई लज्जत होती है, अल्लाह पाक उनकी बारगाहों से हमें आशना करके उनके फैजान की लज्जत अता करता है जो मुख्तलिफ होती हैं और अहले ज़ौक को तरक्की अता करती हैं और रब का मजीद क़ुर्ब नसीब होता रहे। अगरचे महाना महफिल मारूफ तो इसलिए होती है कि वो ग्यारहवीं शरीफ की महफिल है, लेकिन यही बात समझने वाली है कि किसी चीज़ की पहचान के लिए कोई नाम देने से कॉन्सेप्ट उसी जगह पे जम नहीं जाता बल्कि उसकी वसातों को, उसके फवायद को और उसके दलाइल को समझना यही इल्म का फ़ायदा होता है। तो ये एक अल्लाह के वली का फैज़ कि जिसके नाम से एक पहचान हुई, एक दिन मुकरर हुआ, आपके लिए आसानी हो गई, बारिश है, धुंध है, सर्दी है, गर्मी है, आपको मालूम है कि आज अल्लाह की रहमत के दरिया जारी हैं और हमें कुछ ना कुछ मिल जाना है। नाम और दिन मुकरर करने का ये फ़ायदा होता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने हमें वो ज़ौक़, वो शऊर, वो मोहब्बत, वो फैज़ान अता किया कि जिस महीने में जिस बारगाह से फैज़ की खैरात ज़्यादा बट रही होती है हम उसके दरवाज़े पे जाके बैठ जाते हैं। जैसा कि ये माह मुबारक, क्या नाम है इसका, जमादी उस्सानी, इसकी 22 तारीख को हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात है। तो हम आपकी बारगाह से इसलिए वाबस्ता होंगे कि अल्लाह ताला ने जो खसूसियत हम सबको अता की उसका पहला दर्जा ये है कि हम सारे नक्शबंदी हैं। आप सब जो कल्बी ज़िक्र करते हैं ये कल्बी ज़िक्र सिलसिलाए नक्शबंदिया का सबक है, यानी ये खैरात आपको सैयदुना अबू बकर सिद्दीक की बारगाह से हासिल होती है बल्कि आपके सीने से हासिल होती है। मैंने इससे कबल भी कई मरतबा ये वजाहत आपके सामने रखी, फिर भी हर महफिल में कई मेहमान हमारे नए होते हैं जिनको ये फ़ायदा हासिल हो जाता है। आज जो सिलसिला सिलसिला नक्शबंदिया के नाम से मारूफ है, इब्तिदाई तौर पर इसी सिलसिले का नाम सिलसिला सिद्दीकिया था, ठीक है।
ये सिलसिला सिद्दीकिया किससे है? हजरत अबू बकर सिद्दीक से। कि आपके सीने में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो डायरेक्ट फैजान नबुव्वत उंडेल दिया। और उंडेल कैसे दिया? एक होता है कुछ हिस्सा देना, उसमें से कुछ देना, एक होता है उंडेल देना। उंडेल ना किसे कहते हैं? बाल्टी पानी की भरी हुई है, आपने पकड़ के यूं उलट, इसे कहते हैं उंडेल देना। और उसमें से मग के साथ, कप के साथ, गिलास के साथ, पव्वे के साथ कुछ निकाल निकाल के देना, ये हिस्से तकसीम करना है। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैजान नबुव्वत अपनी उम्मत में से जिस हस्ती को अता किया वो कौन है? वो अबू बकर सिद्दीक। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको क्या फरमाया? अफजलुल बशरी बादर रसूल। हजरत अबू बकर सिद्दीक रसूलों के बाद पूरी कायनात में सबसे अफजल बशर हैं। आपने ये भी फरमाया कि अगर मैं किसी को अपना गहरा दोस्त बनाने वाला होता तो मैं अबू बकर को अपना खलील यानी गहरा दोस्त बनाता। किस खलवत में, किन लम्हात में, किन घड़ियों में अल्लाह के महबूब ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को ये फैज़ान नबूवत अता किया और इस फैज़ान में और इस खलवत में किस वक़्त अपनी ज़ात के साथ जमा किया, ये वो लम्हात, वो घड़ियाँ, वो साआतें थी जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ग़ारे सौर में मुस्तफ़ा के साथ मौजूद थे। कुरान यूं गोया होता है, इद यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। क्या उस लम्हे को याद करें पढ़ने वाले, तिलावत करने वाले? इद यकूलु लिसाहिबिही, जब उस हस्ती ने अपने साहिब से कहा, हजूर के सहाबा तो 124,000 या कमो बेश है, मगर जिसकी सहाबियत की सनद अल्लाह ने उतारी वो अबू बकर सिद्दीक है। साहिबी ही, ये सहाबियत इस लफ्ज से हजरत अबू बकर सिद्दीक की साबित हो रही है। इस यकूलु लिसाहिबी ही ला तहजन, जब गार में आपके साथ गए और दुश्मन गार के धाने पर यूं करीब आके खड़े हो गए कि उनके पैर गार में बैठे हुए बिल्कुल धाने पे नजर आ रहे थे, आप घबराए तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ला तहज़न अबू बकर, घबराओ मत, इन्नल्लाह मअना, कि अल्लाह हमारे साथ। आगे बोलिए, अल्लाह हमारे साथ है। था तो नहीं कहा, होगा भी है। हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो क्या मतलब है? 1400 साल पहले भी थे, उससे पीछे भी थे, अब भी हैं और क़यामत तक होंगे। हैं का ये मतलब है कि इसके अंदर इस्तिमरार होता है, दवाम होता है, हमेशगी होती है। अब मौलिमात जो चंद तशरीफ़ फरमाया और तालिबात, आप जब जुमला फ़ेलिया जिक्र करते हैं तो जुमला फ़ेलिया में किस चीज़ की कैद होती है? तीन ज़मानों में से किसी एक ज़माने की। था, है, माजी, हाल, मुस्तकबल, तीनों में से कोई ना कोई ज़माना उसके अंदर होता है। मगर जब आप जुमला इस्मिया जिक्र करते हैं, तवज्जो फरमाइए, जब आप जुमला इस्मिया जिक्र करते हैं उसके अंदर इस्तिमरार होता है। जैसे अभी आपने
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो कोई भी इसका तर्जुमा कभी ये नहीं करेगा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, हैं, दवाम है, इस्तिमरार है, हमेशा से रसूल हैं, हमेशा रसूल रहें। तो इन्नल्लाह माना, ये भी जुमला इस्मिया है, थोड़ी सी तवज्जो फरमाएंगे, इंतहाई लज्जत अंदोज अल्फाज पाएंगे ये कि इन्नल्लाह माना, ये भी जुमला इस्मिया है। मतलब क्या है कि तहकीक, बेशक यकीनन अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं समझाने के लिए मुताबिकत कायम कर रही हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ, अल्लाह तब भी अबू बकर और रसूल खुदा के साथ था, अल्लाह अब भी अबू बकर रसूल खुदा के साथ है, और अल्लाह आइंदा भी अबू बकर और रसूल खुदा के साथ होगा। अब ये जो माना का सीगा है, हमारे साथ है, आप समझते हैं ना कि जमा मुतकल्लिम की नून अलिफ ना लगी है, हमारे साथ है। अब उस वक्त हमारे में कौन है, एक मुस्तफा और एक अबू बकर, गार में उन दोनों के सिवा और कोई नहीं। तो वो खलवत कैसी है, और वो जमाल कैसा है, वो दीदार कैसा है, वो शमूलियत कैसी है, वो फैजान की अता कैसी है, बिल्कुल वैसी जैसे काबा कौसैन पर मेराज की रात में एक मुस्तफा था, एक खुदा था, देने वाला खुदा, लेने वाला मुस्तफा था, इसी तरह गारे सौर में देने वाला मुस्तफा है, लेने वाले अबू बकर, दोनों के सिवा और कोई नहीं। माना के अंदर सिर्फ ये दो हस्तियां मौजूद हैं, वो अता कर रहे हैं, ये ले रहे हैं। तो वो खास फैजाने नबुवत जो रसूलुल्लाह के सीना अलम नशरा से उंडेला गया, तो कहां गया, सीना अबू बकर से। जिस तरह मेराज की रात में किसी को मालूम नहीं कि अता करने वाले ने क्या अता किया और लेने वाले ने क्या लिया, इसी तरह उस गारे सौर की उन तीन रातों में भी किसी को मालूम नहीं कि देने वाले ने क्या दिया और लेने वाले ने क्या लिया। आप ये देखिए कि दूसरी तरफ जो अल्फाज मैंने आपके सामने आगाज में पढ़े, वल्लजी जा बिस्सिद्क़ी वसद्दक़ बिही, ये सच्ची बात लाने वाला कौन है, ये मेराज की रात वापस आने वाली जात महबूब खुदा की, और सद्दक़ बिही उसकी सबसे पहले तस्दीक करने वाला कौन है, वो अबू बकर सिद्दीक, वो अबू बकर सिद्दीक। अब हमारी लुगत में दो तरह से ये लफ्ज बोला जाता है, एक बोला जाता है सदीक, एक लफ्ज है सिद्दीक, ठीक है, आम तौर पे बोलने वाले सदीक ही बोलते हैं, लेकिन इन दोनों के अलग अलग माने हैं। लफ्ज सदीक का माना होता है दोस्त, और सिद्दीक का माना होता है सद्दका युसद्दीकु तस्दीकन, तस्दीक करने वाला, सिद्दीक तस्दीक करने वाला है, सबसे ज्यादा सच बोलने वाला। और सिद्दीक के साथ जब अकबर लग गया तो फिर तो दर्जा कमाल मिल गया कि अब इससे ऊपर कोई दर्जा कमाल नहीं है। सिद्दीक भी है मगर असगर नहीं, अकबर है, वो आम सिद्दीक नहीं बल्कि ऐसा सिद्दीक के पूरी कायनात के सच बोलने वालों को, तस्दीक करने वालों को एक तरफ बिठा लो, दूसरी तरफ अबू बकर सिद्दीक को बिठाओगे तो सबसे बड़ा सच बोलने वाला एक ही होगा, वो कौन होगा, वो सिद्दीक अकबर होगा। तो कुरान करीम ने आपको सिद्दीक का लकब दिया, और आप मुस्तफा करीम के वो दोस्त, वो गमगुसार, वो साथी कि दुनिया में आपके मर्तबे पर कोई और नहीं। हम अगर सहाबा इकराम की जमात को देखें तो ज़खीरा
अहादीस में जिस सहाबी का जिक्र आप पढ़ने लगेंगे, आपको लगेगा कि जो खासियत, जो शान अल्लाह के रसूल ने इस सहाबी को अता की है, किसी और को की नहीं। दूसरे को पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये तो किसी और को की नहीं, तीसरे को पढ़ेंगे तो यूं ही लगेगा, चौथे को, और ऐसा ही है। हर सहाबी की एक ऐसी खसूसियत है जो दूसरे की नहीं, तमाम सहाबा में ऐसा ही है। किसी की दो खासियतें हैं, किसी की तीन खासियतें हैं, किसी की एक, एक पर फौकियत रखती है। हर एक को अल्लाह ताला ने अलग खासियत दी और नबी अलैहिस्सलाम ने उसको डिक्लेयर किया, उसको अनाउंस किया, उसका ऐलान फरमाया, और फिर वो सहाबा उसी उसी नाम से मारूफ होते चले गए जो नाम उनको अल्लाह के महबूब ने दिया। अब देखिए कि तमाम सहाबा अपनी अपनी किसी खास कैटेगरी की वजह से मखसूस भी हुए, मारूफ भी हुए, उनकी शान भी बढ़ी, मगर उन तमाम सहाबा की स्पेशलिटीज को जमा करेंगे तो एक एक, दो दो, तीन तीन सामने आएंगी। पूरी जमात सहाबा में सैयदुना अबू बकर सिद्दीक की जात वो जात है कि आपकी जात को तमाम सहाबा के सामने रख कर जब मापा और तोला जाएगा तो 80 खसूसियात आपकी जात में वो है जो बाकी सहाबा में नहीं। तो फिर मुस्तफा करीम अपने मुसल्ले पे सिद्दीक अकबर को क्यों खड़ा ना करते? फिर खलीफा अव्वल आपको क्यों ना बनाते? आपको ये रवायत तो याद होगी और बेशुमार सुनी होगी कि जब हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ एक रात में मुस्तफा करीम खुले आसमान के नीचे लेटे हैं, हजरत आयशा सिद्दीका सितारों को देखती हैं, सवाल करती हैं, ए अल्लाह के महबूब, क्या आपकी उम्मत में कोई ऐसा है जिसकी नेकियां इन सितारों के बराबर हों? क्योंकि सितारे तो काउंट नहीं किए जा सकते, उन वो गिनती से बाहर है, शुमार से बाहर। कहा कि कोई उम्मती आपका ऐसा भी है जिसकी नेकियां सितारों के बराबर हों? एक बात की तरफ गौर कीजिए, मैंने कहा कि सितारों की गिनती नहीं हो सकती, फिर बराबरी कैसे हो सकती है? आपने गौर नहीं किया बात पे, जिस चीज की गिनती ही नहीं है उसके साथ बराबरी कैसे हो सकती है? बराबरी 100 की 100 के साथ होती है, 200 की 200 के साथ, 1000 की 1000 के साथ, 1 लाख की 1 लाख के साथ, मगर जब किसी को गिना ही नहीं जा सकता तो बराबरी कैसे होगी? इसके अंदर कितना लतीफ, कितना खूबसूरत, कितना वाज़े अकीदा मौजूद है कि हजरत आयशा सिद्दीका को इस बात का यकीन है कि अगरचे सितारों की गिनती मालूम नहीं मगर फिर भी मेरे मुस्तफा जानते हैं कि ये सितारे कितने हैं। कितना लतीफ अकीदा मौजूद है, फिर भी समझ ना आए तो कैसे समझाया जाए? और फिर सुनिए हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब क्या इरशाद फरमाया। आपने फरमाया कि हाँ आयशा, मेरे सहाबा में मेरा उमर ऐसा है कि उसकी नेकियां सितारों के बराबर है। हजरत आयशा सिद्दीका एकदम संजीदा हो गई, एक्सेप्ट कर रही थी कि मेरे बाप तो मेरे महबूब को सबसे महबूब है, तो नाम तो मेरे अब्बा जान का आएगा, इधर तो उमर का नाम आ गया, एकदम संजीदा हो गई। कहा या रसूलल्लाह, तो फिर मेरे अब्बा जान? कहा आयशा, उमर की सारी नेकियां जो सितारों के बराबर हैं वो तेरे बाप की एक रात की नेकी के बराबर हैं। और मालूम है वो कौन सी रात है? वो वही रात है, वो वही रात है जो गारे सोर की रात है। अब गारे सोर में क्या होता है, मुझे आपको जिस तरफ लाना है ना, वो है आपका सिलसिला, आपका यकीन, आपकी मोहब्बत, आपका अदब मजबूत करने के लिए मुझे सिर्फ उस तरफ जाना है, वरना हम सारे महीनों में डेली बेस पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक की शान, फजीलत, अजमत, आपकी खसूसियात,
बयान करते रहें तो साल ख़त्म होके अगले साल शुरू हो जाएंगे, आपकी ज़ात के मुतल्लिक हम बयान नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हम जिस स्टेज पे हैं, हमें ख़तरा ख़तरा भी मिलता रहे और हम उसको संभालते रहें तो बात बन जाती है। आज हमने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात से क्या अख़ज़ करना है और अपना हिस्सा क्या लेना है, आपकी तवज्जो उस पर रहनी चाहिए। जब आप लेकर हिजरत के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं? गारे सौर। आप में माशाल्लाह बहुत से लोग होंगे जो उमरा हज करने गए होंगे और बहुत से लोग होंगे जो हिम्मत करके गारे सौर पे भी चढ़े होंगे, बहुत से लोग नहीं भी गए होंगे। लेकिन जो गए हैं, चलो गारे सौर को छोड़ के गारे हिरा को ले लेते हैं। गारे हिरा गारे सौर से आधे फासले पे है और वहाँ चढ़ने के लिए भी लोगों की हालत क्या होती है, जगह जगह पे रुकते हैं, हाथों में पानी की बॉटल्स होती हैं, कुछ ना कुछ खाने के लिए होता है, फिर सांस ले लेके और खींच खींच के पता नहीं किस तरह से वहाँ चढ़ा जाता है। और गारे सौर तो उससे कहीं दूर और मुश्किल सफ़र है। तो गारे सौर, फिर रात, रात कौन सी? हमारे इलाकों की रात नहीं और इस ज़माने की रात नहीं जिसमें अरबों बल्ब रात को जल रहे होते हैं, ये अरब की रात, पहाड़ की रात, जहाँ की चोरियाँ डकैतियाँ पूरे ज़माने में मारूफ हैं, ये वो रात है। और चढ़ना कहाँ है? गारे सौर तक, कोहे सौर पे चढ़ के जाना है। जाना कैसे है? बड़े आराम से, अकेले नहीं, कंधों पे मुस्तफ़ा को बिठा रखा। ये क्या है? ये है नक्शबंदियत, ये है सिद्दीकियत, ये है हमारा सिलसिला, इस पे हम चल रहे हैं। ये मोहब्बत मांगता है, ये इखलास मांगता है, मंजिल तब मिलती है। सिर्फ ज़िंदगी में एक बार किसी पीर के हाथ पे बैत होके फिर साल बाद शक्ल दिखाने या छः साल बाद आके शक्ल दिखाने से मंजिल नहीं मिलती। मैंने इसलिए आपको समझाया कि नक्शबंदिया का पहला नाम सिलसिला सिद्दीकिया है, फिर आगे चलकर इस सिलसिले का नाम सिलसिला रिजदवानिया हुआ, फिर उससे आगे चलकर हज़रत बहाउल हक, हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद बहाउल हक नक्शबंद के नाम पे आके ये सिलसिला नक्शबंदिया हुआ, हज़रत मुजद्दिद अलफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात पे आके यही सिलसिला मुजद्दिया बना। और इसी सिलसिले को जब हज़रत अखुंदज़ादा मुबारक की ज़ात मिली तो वो सैफिया बना। तो अज़ीज़ात मोहतरम, अब क्या है, अब आज का बंदा जब जा रहा है गारे सौर पे तो उसके हालात क्या हैं? और मोहम्मद अली जहूरी कसूरी लिखते हैं कि गारे सौर थी असी भी गए सा रल के, काफला गया ना, तो कहते हैं कि गारे सौर थी असी भी गए सा रल के, बेशक को मंजिला बारियां ने, गारे सौर थी असी भी गए सा रल के, बेशक को मंजिला पारियां ने, गारे सौर ते जाके लगा पता कि मैं यार निभाया यारियां। गारे सौर ते जाके लगा पता कि मैं यार निभाया यारियां ने। वो कौन यार है? वो यारे गार, यारे मिजार सिद्दीक अकबर। सारे रस्ते मुस्तफ़ा करीम को अपने कंधों पर बिठा रखा है, आपके कदम मुबारक अपने सीने से लगाए हुए हैं और पूरी चढ़ाई चढ़ के गारे सौर में जाते हैं। फिर अगली मोहब्बत जानिसारी, ये बचपन से हर मुसलमान ये सुनता है कि गारे सौर में सिद्दीक अकबर को सांप ने डंग मारा और वो क्यों मारा, तो वो पुरानी औरतें भी ये सुनाएंगी कि वो उसने अपनी ज़ुबान हाल से कहा कि आसे आसे उम्र गुजारी,
ते चले खार हजारा माली बाग नहीं वेखन देंदा आया जदों बाहर। यानी ये किस्सा तो सारे सुनाते हैं, सबक क्या है? दीन के अंदर सबक है। हर चीज हमारे लिए बयान की गई है, छोड़ी गई है कि इंसान उसके अंदर इज्तिहाद करे, उससे सबक हासिल करे। और अल्लाह वालों की महफिल में जिस रंग में जाके बैठेगा वो रंग उसे वहां से मिलेगा। तो हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे जो सबक निकाला, मैं आगे चल के उसे अर्ज करती हूँ कि हमारे लिए उसके अंदर सबक क्या है। सिलसिला सिद्दीकिया कहें या सिलसिला नक्शबंदिया कहें, इसकी मंजिल कैसे मिलती है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी अलैहिस्सलाम से वादा बरस किया, आका आप तशरीफ रखें, मैं पहले अंदर के हालात देख लूं। अंदर के हालात का मतलब जब गारे सोर में आप जाते हैं तो गारे सोर के दो हिस्से हैं, अवामुन नास जो हैं वो पहले हिस्से से ही ज़ियारत करके वापस आ जाते हैं। उस जो हिस्सा नज़र आता है जहाँ इजीली आप अंदर दाखिल होते हैं, असल वो जगह नहीं है नबी अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ रखने की, वो उसकी तंग जगह से गुजर कर उसके अंदर की जगह है जहाँ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तीन रातें गुजारी। तो पहली वाली जगह पर नबी अलैहिस्सलाम रुके, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अंदर गए, चादर अपनी उतारी, चादर से ज़मीन सारी साफ कि मेरे महबूब आ रहे, जो जिसके पास होगा वही सजाएगा ना। और यही तो करम है इस्लाम का कि वो हर एक को एक्सेप्ट करता है, वो महलों कोठियों बंगलों वालों को नहीं बल्कि गरीबों की कुलियों को ज़्यादा पसंद करता है, बशर्ते के इखलास हो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी चादर उतारी, चादर उतार कर पुराना गार था सैकड़ों सालों का, सुराख सुराख हुआ हुआ, आपने चादर से जब साफ की और सारे सुराख सामने आए तो अपने कपड़े उतारने शुरू किए, चादर अमामा कमीज एक शरई सतर के लिए जो चादर रह गई जिस्म पर, बाकी कपड़े उतारे और उनको सुराखों के अंदर ठोंस ठोंस कर बंद किए, सफाई की, सब सुराख बंद किए मुकम्मल। जब लगा कि अब बाहिफाजत जगह बन गई है, आका अलैहिस्सलाम को अंदर आने की दावत पेश की, आप एक जगह पे बैठ गए, अपनी टांग आगे की और एक जगह पे उसको फिक्स कर दिया, अब उसे हिला नहीं रहे। तो कहा या रसूल अल्लाह, वजह यह है कि मेरे सारे कपड़े ख़त्म हो गए और इसके नीचे एक सुराख है जिसको बंद करने के लिए और कोई ज़रिया नहीं रहा, तो मैं बैठा इसलिए हूँ कि मैं अपने पैर की एड़ी इसके ऊपर जमा के रखूँ ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा बाहर ना निकल सके। आप तशरीफ़ लाएं और आप थक गए हैं, अदब अदब देखिए, उठाया तो अबू बकर ने था, पहाड़ चढ़ के वो आए, हजूर तो कंधों पर बैठे थे, कहा या रसूल्ला आप थक गए हैं, आप इस्तिराहत फरमा लीजिए। कहा हाँ अबू बकर, मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए कि तेरी गोद है तो मैं आराम ही करना चाहता हूँ। क्या राज था वो मैं और आप क्या समझें। आप अलैहिस्सलाम ने जब अपना सरे अकदस हजरत अबू बकर सिद्दीक की रान पे रखा, चश्मा ने मुबारक को बंद किया, अब होता क्या है, बंदे की फितरत ये है जब आप किसी डर वाली जगह पे, अंधेरे वाली जगह पे बैठे हुए हो तो कोई चीज़ आपके जिस्म के साथ टकराए तो नेचर क्या है, नहीं चीख तो निकलेगी मगर जिस्म की नेचर क्या है, आप उसे फौरन खींचते हैं, हट जाते हैं। अंधेरा होता है ना, रस्सी को भी आप सांप समझते हैं, जब आपके जिस्म के साथ कोई चीज़ टकराती है तो आप उछल के पीछे को होते हैं, मगर वहाँ बैठकर उस आशिक के सादिक ने अपनी नेचर बदली
जब कोई चीज एड़ी के साथ टकराई तो एड़ी को पीछे खींचने के बाद बावजूद बजाए उस एड़ी को और नीचे दबाया। इश्क नेचर बदल देता है। पीछे खींचना नेचर थी मगर इश्क ने नेचर बदली। उस वक्त भी हवास कायम रहे, पीछे खींचने की बजाय एड़ी को और नीचे दबाया, मगर कुछ हो गया और उसका दर्द जिस्म में जब सरायत किया, बर्दाश्त तो बे इंतहा किया मगर अब एक ही रास्ता रह गया था कि वो बर्दाश्त आंखों के आंसू से बाहर निकलती। सो आंखों से आंसू निकले, क्या मुकद्दर थे उन आंसुओं के, जब वो गिरे तो चेहरा वद्दोहा पे। आका अलैहिस्सलाम जो देख रहे थे अपने आशिक ज़ार को कि किस वक्त वो घड़ी आती है, आका ने आंखें खोली, कहा मा युबकी का या अबू बकर, या अबा बकर, ए अबा बकर तुझे कौन सी चीज रुला रही है, क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह किसी चीज ने काट लिया। अब मुस्तफा करीम उठे और आप अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली मुबारक अपने दहन के करीब की और वो लुआब जो एक वक्त में हजरत अबू कतादा की आंख पे लगता है, दूसरे वक्त में हजरत अली अल मुर्तजा की आंखों को ठीक करता है, आज वो लुआब हजरत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पे लगने जा रहा है। मेरे और आपके आका ने वो लुआब अपनी उंगली मुबारक पे लगाया और हजरत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी के ऊपर अपनी उंगली रखी। अबू बकर कहते हैं कि मैं फैसला ना कर सका कि मुस्तफ़ा करीम का लुआब मेरी एड़ी पे पहले लगा या मेरा दर्द पहले ख़त्म हुआ। दर्द तो ठीक हो गया मगर हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आतशन शदीदा, सख्त प्यास लगी है। गार के अंदर प्यास, और क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक को नहीं पता कि हालात कैसे हैं और पानी का इंतजाम होगा कहाँ से, बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। मगर जब बेकरारी होती है तो फिर बंदा इजहार तो करता है, इजहार कर दिया, कहा या रसूलल्लाह सख्त प्यास है। कहा अबू बकर गार के और अगली तरफ गार के सीने में चले जाओ, वहां जाके पानी पी आओ, वहां जाकर पानी पी आओ। अब क्या कहना चाहिए था अबू बकर सिद्दीक को, सारा गार तो उन्होंने साफ किया पर चप्पा चप्पा वो जानते हैं कि जहां पुराने कीड़ों के सुराखों के सिवा कुछ नहीं रखा हुआ तो पानी कहां से पियाऊं। मैंने अर्ज किया कि आपका फोकस सिलसिलाए नक्शबंदियां पे रहना है कि वो किस अदब की डिमांड करता है, आपको मंजिल कहां से हासिल होती है। मैंने पीछे भी कहा कि कभी जो मुश्किल में दीन आए तो तेरे अमल से यकीन आए कि तू मुस्कुराता है घर लुटाकर सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर। सिद्दीक़ अकबर की मंजिल ये है, आपकी मोहब्बत ये है, वो बचा हुआ नहीं देते, वो सोच सोच के नहीं देते, वो कब मुस्कुराते हैं, जब अपना और दीन का इंतजाम करते हैं, नहीं जब अपना सब कुछ दीन पे कुर्बान करते हैं तो फिर खुल के मुस्कुराते हैं। तो मैंने अपने महबूब की रजा का सामान कर लिया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक जब अच्छी तरह जानते हैं, रसूलुल्लाह तो आगे गार में गए नहीं, वो तो सीधे दाखिल हुए और हजरत अबू बकर सिद्दीक की रान पे सर मुबारक रख के इस्तराहत फरमाने लगे। सारा गार तो अबू बकर ने साफ किया, कहा गार के अंदर चले जाओ और जाके पानी पियाओ।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रुके नहीं, तरद्दुद नहीं किया, सवाल नहीं किया, चले गए आगे, चले गए गार के अगले हिस्से में चले गए। अब एक बच्ची यहाँ पे अगर एक काम कर रही है सुबह से लेके अब महफिल से पहले तक पूरी जगह की सफाई की है, तो इसको मालूम है ना कि कोई चीज़ यहाँ पड़ी है या नहीं पड़ी। और मैं अब इसे कहूँ कि भाई पीछे की तरफ सेहन में से चेयर उठा के ले आओ, तो वो तो उसी वक्त कहेगी कि मैंने अभी सफाई की, वहाँ तो कोई चेयर नहीं है। बस सिलसिला यही अदब सिखाता है। मुरीद का काम ये नहीं है कि वो आगे से यूं सवाल करे। वो मुरीद सादिक हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब मुस्तफा का हुक्म पाया तो ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह यहां पानी कहां से आ गया। आप जब चल पड़े और थोड़ा सा आगे हुए, गार कोई 5 मरले का गार तो नहीं था ना, थोड़ा सा और आगे अंधेरे की तरफ जब हुए तो जैसे ही वहां गए आगे पानी का चश्मा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पानी पिया, पानी पी के उसी तरह से जब वापस हजूर के पास आए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब पूछा, अबू बकर पानी पी लिया? कह या रसूलल्लाह पी लिया। कहा तो वो पानी कैसा था? अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद प्रोवाइड कर रहे हैं पानी, फिर पूछने का क्या मतलब? पूछने का मतलब ये था कि 1450 साल जब हजूर की दीवानियां बैठकर हजूर के दीवाने का जिक्र सुने, उस वक्त वहां जिक्र हो जाए, सबको मेरे अबू बकर की शान का पता चले। तो कहा या रसूलल्लाह वो पानी, ऐसा पानी तो मैंने जिंदगी में नहीं पिया। वो पानी शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा और कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा खुशबूदार पानी, ऐसा पानी तो मैंने कभी जिंदगी में ना देखा ना पिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, पानी इसलिए ऐसा है कि वहां तो कोई पानी नहीं था, लेकिन जब मैंने तुझे कह दिया और तू बिला तरद्दुद चल पड़ा, तेरे यहां से घिसट कर वहां पहुंचने तक अल्लाह पाक ने जन्नत के फरिश्ते को हुक्म दिया कि जन्नत की एक नहर फौरन, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब उस पानी की खासियत बयान की तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर, जब मेरा हुक्म सुनकर बिला तरद्दुद पूरे यकीन के साथ तू यहाँ से घिसट कर वहाँ पहुँचने लगा, तो उसी वक्त अल्लाह ने जन्नत के फरिश्ते को हुक्म दिया कि जन्नत की एक नहर गारे सौर में पहुँचा दो। तो तुझे जो पानी मिला वो पानी जन्नत की नहर का मिला। कहा या रसूलल्लाह, आपके गुलाम की आपके साथ लगने की वजह से इतनी शान हो गई? कहा अबू बकर, तेरी शान इससे भी बड़ी है। अगर कोई शख्स 70 नबियों के बराबर इबादत जमा करके अल्लाह की बारगाह में पेश हो और उसके दिल में तेरा बुग्ज हो, वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता, वो दोजख में जाएगा, तेरा ये मकाम है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला तहजन इन्नल्लाहा माना, कि उस वक्त अबू बकर सिद्दीक फैजाने मुस्तफ़ा में शामिल हैं, आपकी ज़ात में शामिल हैं और उन दो ज़ातों के सिवा कोई तीसरा वहाँ मौजूद नहीं। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि या वहाँ देने वाले को पता था क्या दे रहा है या लेने वाले को पता था क्या ले रहा है। अब सूफियाए किराम फरमाते हैं कि ये जो सफाई है, सूफी सूफी सफा से है और सफा सफाई से है, और सफाई क्या है? गोया मुस्तफ़ा करीम ने
अबू बकर को ये फैजान दे दिया। क्या अबू बकर, जिस तरह तूने अपने नबी के लिए गार को साफ किया, इस तरह जब तक मेरा कोई उम्मती अपने सीने को तेरे लिए साफ नहीं करेगा, उस वक्त तक मुस्तफा तक पहुंच नहीं सकता। और वो अदब, वो एहतराम के घर लुटा दिया, जान लुटा दी, औलाद पेश कर दी, माल और दौलत हुजूर के कदमों में रख दिया, और फिर भी मुस्कुराते हैं और क्या कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके सिवा मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और उस पे जबर नहीं, अफसोस नहीं, बल्कि खुशी की इंतहा है। तो सूफिया किराम ने फरमाया कि इसीलिए सिलसिला नक्शबंदिया अफजल है कि यहाँ जब आप इस रास्ते को इख्तियार करते हैं, ये जज्बा, ये इखलास, ये कुर्बानी, ये जब आप पेश करके इस रास्ते पे चलते हैं, तो जो मकाम, जो मंजिल दीगर सिलसिलों में 40-40 साल के चिल्ले काटकर लोगों को हासिल होती है, उससे ज़्यादा मकाम, उससे आला मंजिल इस सिलसिले पे चलने वाला कामिल वली एक लम्हे में आपको अता कर देगा। तो किस कदर खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें आपकी गुलामी का रास्ता अता किया, हमें उस मंजिल का राही बनाया। अगर हमारे अपने अंदर उस तक पहुंचने की तलब कमज़ोर होगी तो कसूर हमारा होगा, और अगर हम ये चाहेंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो कामिल निगाहें जो अल्लाह ने हमें नसीब फरमाई, अगर हम उनकी कदर करके चलते रहे और उस रास्ते पर चले कि हम मोहब्बत उन पैमानों पे करें जो पैमाने हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अता किए। क्या आपने जब सब कुछ लुटा दिया हजूर की बारगाह में, फकीर बन गए, झोंपड़ी में आ गए, खाना पीना बंद हो गया? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने हर बंदे के एहसानात का बदला चुका दिया। एक अबू बकर सिद्दीक है जिनके एहसानात का बदला अल्लाह के सिवा कोई नहीं चुका सकता। अल्लाह ने इसके बावजूद उन्हें इतना अता किया, इतना नवाजा कि वो आखिरी वक्त तक अल्लाह की बारगाह में उसी तरह दिल खोल कर देते रहे। तो हमें तरद्दुद क्यों होता है, हम कमज़ोर क्यों पड़ते हैं? इसलिए कि हमारा यकीन कमज़ोर होता है। अगर हम अपना यकीन मजबूत कर लें तो याद रखिए हमारे यकीन से कई गुना ज़्यादा अल्लाह हमें नवाजता है। उसका वादा है कुरान करीम में, उसने फरमाया कि मैं फिर वहाँ वहाँ से बंदे को रिस्क देता हूँ जहाँ जहाँ उसका गुमान तक नहीं हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की इन घड़ियों और हज़रत अबू बकर सिद्दीक की वफात के इस मुबारक दिन की निस्बत के सदक़े हमें अपनी अजमत को पहचानने की तौफीक और समझ अता फरमाए, और इस रास्ते पे इखलास के साथ चलने की हमें तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह इसी की अगली कड़ी के इस सिलसिले की खसूसियात सालिक के लिए क्या होती हैं और उसके अंदर कितनी चीज़ें आनी चाहिए, वो हम इसके बाद जो महफिल होगी इंशाल्लाह उस पे अर्ज करेंगे। अगली महफिल वैसे मेराज शरीफ की महफिल है जी, आपको याद होगा जी, और 11 की बजाय 26 रजब को बड़ी महफिल इंशाल्लाह बाहर होगी, और उसके लिए आप ओपन इनविटेशन अपने अजीज़ अकारब और तमाम लोगों को हस्बे मामूल देंगे, और फिर इंशाल्लाह ये समझे कि रजब की महफिल आई तो रमज़ान की तैयारी का आगाज़। लाजिमात जो आज तशरीफ़ लाई हैं और जो नहीं लाई
उन तक आप पहुंचा दें, जो सुन रहे हैं वो डायरेक्ट सुन लें कि वो अपनी रमज़ान की पहली तैयारी के साथ आएंगी और इंशाल्लाह उस महफिल से पहले आपकी एक मीटिंग बाज़ाबता बुलाई जाएगी अगले 26 रजब से पहले पहले इस माह के एंड तक इंशाल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको अब आगे बढ़ने की जज्बे के साथ तौफीक अता फरमाए और इन फैजान से हमारी झोलियों को मालामाल फरमाए। आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।